सिर्फ दो बातें बोलूँगा, लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता दूँ, आज ही बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। ये तूफ़ान है कि हैकिंग का, कि आप सभी के जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो वो सब हैक होने वाले हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हर तीसरे बंदे का फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होगा ही होगा। अभी से ही केसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, मेरे पास भी काफ़ी सारे केसेज आते हैं। पहले मैं तो रिकवर कर लेता था, प्राइवेसी पॉलिसी इतनी आसान होती थी कि हम आइडेंटिफिकेशन वगैरह के थ्रू इसको रिकवर कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेसी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और अगर हैकर भी आजकल बहुत नए से नए हैं। अब बता देता हूँ आपको हैक कैसे करते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की वजह से। जैसे हम GB व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेते हैं, इसकी वजह से आपका इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। और अभी तो गूगल सिक्योर है लेकिन इसका भी डाटा लीक होता है। काफ़ी सारे डाटा लीक होने की वजह से आपका जो प्राइवेसी है वो लीक हो जाती है। और आपको मैं हिदायत दे दूँ कि आप जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हो, अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हो, स्टोरी डालते हो, उन सबको बंद कीजिए और जो पुरानी फ़ोटोज़ है उसको डिलीट कीजिए। अगर आपको बैकअप रखना है ये तो किसी सिक्योर चीज़ पे रखिए, वह इंस्टाग्राम और फेसबुक बैकअप के लिए नहीं यूज़ कीजिए, वो सिर्फ ऐसे मनोरंजन का साधन की तरह यूज़ कीजिए। और जो आप उस पर कोई क्रिएटर है तो उसकी तरह यूज़ कीजिए। अगर आप अपने अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हो तो उसमें 2-स्टेप वेरिफिकेशन का यूज़ ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पास OTP आए जब भी आपका कोई अकाउंट हैक करने की कोशिश करे। तो ये सभी आपको ध्यान रखनी है, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आज फिर बता दिया है आपको कि सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि आप मेरे पे ही डिपेंड मत रहा कीजिए, खासकर स्टूडेंट्स जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझसे क्या कहते हैं कि मुझे क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो भेजो, वो करो, सो करो। मैंने जब वीडियो बना दी है तो मैं फ़ोन से सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास इतना स्टोरेज नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि मैं सबकी बातें सुनूं। और दूसरी बात, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप खुद रील देखते रहते हो और मुझे बोलते हो कि ये कर दो, वो कर दो। जब तुम खुद ही खुद की सहायता नहीं कर सकते तो मैं भी क्यों करूँ? इसलिए पहले खुद के पैरों पर स्टैंड लेना सीखो, दूसरे लोग तभी आपकी हेल्प करेंगे। तो बस यही मोटिव था आज की वीडियो का। थैंक यू।